गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह संपन्न होने के बाद यहां मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ को औपचारिक मान्यता मिल गई है। अब हिमालयी राज्यों में स्थापित 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपस में विचार विमर्श के बाद हिमालय के हितों की शोध परियोजनाओं पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। यहां देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डॉक्टर निशंक ने कहा है कि वो हिमालय की अमूल्य संपदा और जैव विविधता के साथ साथ हिमालय के पारंपरिक आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के संरक्षण पर कार्य करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिमालय पर किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने कहा कि हिमालय में स्थापित विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को हिमालय की मजबूती के लिए काम करना होगा। उन्होंने इससे पूरी मदद का आश्वासन भी दिया है। मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है 33 वर्षों के बाद आ रही है, वो नवाचार के साथ, अनुसंधान ज्ञान और विज्ञान के साथ और विविध आयामों के साथ भारत केंद्रित होगी। और मुझे भरोसा है कि वो स्कूली शिक्षा से लेकर के और उच्चतर शिक्षा में हर क्षेत्र में, हर दिशा में अलग अलग आयामों से देश को ताकत देगी। तो हमारे को इसमें रिसर्च के काम की बहुत अधिक आवश्यकता है और एम्प्लॉयबिलिटी भी होगी यहाँ पर जिन लोगों को हम इसका उम्मीद, लेकिन उसका क्या करिकुलम हो, किस तरीका, शायद जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी का करिकुलम का वो होता है उससे शायद थोड़ा हटके होना पड़े। क्या इसको एक सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज और उसका कुछ इस तरह से करें, ये एक मल्टीविधा मल्टी डिसिप्लिनरी जहाँ पर हो सके, जहाँ पर यू नो योर ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कल्चर, देयर जियोलॉजी, देयर ज्योग्राफी, देयर scientific, this thing, strategic matters, this thing matters, and also power generation for them.